अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ये देखें जी, इस टाइम जो है मैं काम पे हूँ डिलीवरी का, और ये देखें पाँचवें फ्लोर पे जो है ना जाना पड़ता है पैकेज देने के लिए। और फिर आप लोग कहते हैं कि रिप्लाई नहीं करते ना भैया। ये देखिए जी, हाय, रूटीन टफ होती है, बंदा थक जाता है, इतना थक जाता है कि क्या ही बताऊँ आपको। वेल, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लें जी, नॉर्थ साइप्रस की कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, कुछ अपडेट्स अबाउट वर्क वीज़ा एंड स्टडी वीज़ा आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए, अपडेट्स पसंद आए। सबसे पहले मैं जो है स्टडी वीज़ा की बात करता जाऊँ। नॉर्थ साइप्रस में स्टडी वीज़ा की रजिस्ट्रेशन जो जिस तरह यहाँ पे चल रही है स्टूडेंट्स की, कुछ यूनिवर्सिटी की अभी तक स्टिल एडमिशन ओपन हैं, आप प्रोसेस करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशन काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं और काफ़ी अच्छी मतलब अपडेट हुई हैं इस बार स्टडी वीज़ा में। फर्स्ट ऑफ़ ऑल यूकास आईडी अपडेट में जिस तरह आप लोगों को पता है कि अब आप लोगों का जो डाटा है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में ऑनलाइन मतलब शो होगा यूकास आईडी पे। स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा एम्बेसी डिस्टर्ब कर रही थी कि आपका डाटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ, और यहाँ पे यूनिवर्सिटी वाले भी थोड़ा सा उनको भी नहीं था इस चीज़ का पता, और वेल आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें जो है सॉर्ट आउट हो गई हैं। ये एक बहुत अच्छी मतलब अपडेट है यूकास आईडी की। इसके साथ साथ सेकंड ये कि 25 साल से ज़्यादा जो है नॉर्थ साइप्रस में अब बैचलर्स में स्टूडेंट नहीं आ सकते, अगर किसी का हो जाता है तो उसको एयरपोर्ट पे इशू हो सकता है। और मैं मतलब ये भी नहीं कह सकता कि एयरपोर्ट से वो कंफर्म ही डिपोर्ट होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं अभी भी वो आ रहे हैं, और लेकिन बात वही है कि डिपेंड करता है, लक पे भी डिपेंड करता है। लेकिन नॉर्थ साइप्रस के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जो है 25 साल से ज़्यादा जो है अब वो नहीं आ सकता। अब मुझे जहाँ तक लग रहा है, मतलब मैं कंफर्म नहीं कह रहा, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि लास्ट सेमेस्टर में जिन लोगों का बैचलर्स में हो गया था वो इस साल मतलब इस सेमेस्टर में ट्रेवल करके आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अक्सर स्टूडेंट्स देखे हैं जो इस टाइम 27, 28, 29 साल के हैं जो बैचलर्स में यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में इन हो गए हैं। लेकिन वही कि आई थिंक सो कि लास्ट सेमेस्टर में जो जिनके एडमिशन लेटर निकल आए हुए थे ये जस्ट उनके लिए थी। अब इस समय अब जो न्यू सेमेस्टर होगा उसमें 25 साल से ज़्यादा का यूनिवर्सिटी ही एक्सेप्ट नहीं करेगी एडमिशन। एक ये काफ़ी अच्छी इनकी मतलब अपडेट है। इसके साथ साथ सेकंड की अगर मैं बात करता जाऊँ तो यार मेरे साथ एक बहुत मैंने एक इंसिडेंट देखा, मतलब हैवी सीन मैंने कल देखा। कल एक ना लड़का आया यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में, और मैं उसके पास बैठ के वैसे नॉर्मली मैंने उससे पूछा, हाँ भाई कौन सी यूनिवर्सिटी में आए हो, किस सब्जेक्ट में आए हो? तो वो बंदा मेरे से पंजाबी में बात करे। मैंने कहा कि कौन से सब्जेक्ट से हैं आपके? कहता है मुझे नहीं पता। मैंने कहा यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो यूनिवर्सिटी का नाम भी अजीब ले रहा। तो बाद में मैंने उसे कहा कि भाई किस प्रोग्राम में आए हो? कहता है बैचलर्स करने आया हूँ। मैंने उसे पूछा, कहता है यार पंजाबी में यार मैनू तो पता नहीं है, मैं बस आ गया इतने। अच्छा, अब उसके एजेंट ने उसका काम करवाया था तो वो यहाँ पे नॉर्थ साइप्रस में सेफली एंटर हो गया, एयरपोर्ट पे भी उस बंदे से कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई। ये बात करने का मकसद है कि अच्छा, जब मैंने उस बंदे से पूछा तो वो बंदा जो था 8वीं फेल था। अब मुझे बहुत हैरानगी होती है कि यार ऐसे जो स्टूडेंट्स आते हैं या ऐसे जिन जो एजेंट्स काम करवा के स्टूडेंट्स को लाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स की वजह से जो है दूसरे बंदे हैं जो नॉर्थ साइप्रस में लीगली भी आ रहे हैं, जो स्टडी करना भी आ रहे हैं, उन पर भी वो भी बेचारे जो है ना डिपोर्ट हो जाते हैं। डिपोर्ट की न्यूज़ आप लोगों को ये बताता जाऊँ, सुनने में यही आ रहा है कि ये महीने में इतनी ज़्यादा डिपोर्टेशन नहीं हुई। स्टार्टिंग में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया था, लेकिन अब जो है सख्ती हो गई है यूकास आईडी अपडेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है ना डिपोर्टेशन कम हो गई हुई है नॉर्थ साइप्रस में। और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि भाई 100% डिपोर्टेशन ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं, मैं मिला भी उनसे और मैंने देखा भी, उनसे पूछा भी है एयरपोर्ट पे क्वेश्चनिंग, तो वही उनसे नॉर्मल क्वेश्चनिंग हुई है उनकी यूनिवर्सिटी के बारे में और पैसे कितने साथ लाए हैं, ये वाली चीज़ें। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक और भी बड़ी बात बताता चाहूँ कि यार नॉर्थ साइप्रस में हम पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा मसला भला क्या है?
अभी आते हैं नॉर्थ साइप्रस में, एंटर होते हैं, एंटर होने के बाद अगले दिन कहना शुरू कर देते हैं यार जॉब ढूंढ दे या जॉब नहीं मिल रही, जॉब 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 जॉब। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये भी बताता चाहूँगा भाइयों, थोड़ा सा देखो कि जब आप लोग नॉर्थ साइप्रस में या किसी भी कंट्री में, नॉट ओनली नॉर्थ साइप्रस, किसी भी कंट्री में जाते हो तो आप लोग जो पैसे लाते हो वो मैक्सिमम आप 3 महीने के पैसे अपने साथ लेके आओ, कि 3 महीने अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव भी करना पड़े तो आप लोग वो सर्वाइव जो है वो कर सको, ताकि 3 महीने के अंदर आप लोगों को जॉब नहीं मिलती तो आप लोगों के पास इतने पैसे होंगे आप सर्वाइव कर लो। स्ट्रगल होती है, कुछ लोगों की स्ट्रगल इतनी होती है कि वो आती है उनको 1 वीक में, विद इन 1 वीक जॉब मिल जाती है, कुछ की ऐसी होती है कि वो महीना भी लग जाता है, कुछ का ऐसा होता है 2 महीने भी, कुछ का ऐसा होता है 3 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन जॉब्स मिल जाती हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को अपनी ही स्टोरी बताऊं तो मुझे भी यहाँ पे आके तकरीबन 3 महीने जॉब नहीं थी मिली स्टार्टिंग में, लेकिन स्ट्रगल कंटिन्यू रखें, डीमोटिवेट किसी को भी मत करें। यहाँ पे अभी कल परसों एक स्टूडेंट आया है नॉर्थ साइप्रस में, अभी आया ही है, एंटर ही हुआ है, अगले दिन यहाँ पे हमारी कम्युनिटी के कुछ लोगों ने उसे ऐसा बेचारे को डीमोटिवेट किया कि अब वो कह रहा है कि यार बिलाल भाई मैंने वापस जाना है, तो बताएं कि वापस किस तरह जाया जा सके, क्योंकि मैं जो है यहाँ पे नहीं रह सकता, मैं यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। ये हमारी कम्युनिटी की जो है ना सबसे बड़ी बात है वो ये कि आते ही जब वो उन्हें 1-2 दिन में या 1 वीक में जॉब ना मिले तो वो रोना शुरू कर देते हैं, और फिर एजेंट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, कंसल्टेंट को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। यार माइंड में रखो कि ना एजेंट ने अपनी जेब में जॉब्स रखी हैं, ना कंसल्टेंट ने अपनी जेब में जॉब रखी हैं, स्ट्रगल आपने खुद करनी होती है। वही कि समटाइम आपको महीने बाद मिल जाती है, समटाइम आपको 1 वीक बाद मिल जाती है, लेकिन मिल जाती हैं नॉर्थ साइप्रस में जॉब, ये बात नहीं है कि जॉब्स नहीं मिलती यहाँ पे। तो बात करने का मकसद ये है कि हमारी कम्युनिटी ही ऐसी है कि वो हमेशा ही डीमोटिवेट करेगी आपको, तो इसलिए काइंडली ऐसे डीमोटिवेशन वाले बंदों के पास भी बैठ के आप बैठने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब बंदा यहाँ पे आके देखता है कि यार मुझे ये जॉब करनी पड़ेगी पाकिस्तान में, तो मैं ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, तो ये सबसे बड़ी बात होती है। इसके साथ साथ अब मैं लास्ट में जो है वर्क वीज़े की भी बात करता जाऊँ, वर्क वीज़े जो हैं ऑलरेडी ओपन हैं नॉर्थ साइप्रस में, एजेंट कंसल्टेंट अगर किसी को आपने जमा करवाए हैं तो उसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि उनके क्यों नहीं निकल रहे, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आप लोगों ने जिसे वीज़ा जमा करवाया होता है, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मुझे वीज़ा जमा करवाया वर्क वीज़े का, आप लोगों को पता है कि मैं जेन्युइन बंदा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आगे मैंने जिसे जमा करवाया क्या पता वो मेरे साथ बंदा फ्रॉड कर रहा हो, या क्या पता स्कैमिंग कर रहा हो, या कुछ भी इस तरह के इशूज़ क्रिएट कर रहा हो, तो इसलिए या तो वेट करें या तो फिर उस बंदे से पेमेंट लेके तो किसी और से करवा लें। मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो 9,000 यूरो 10,000 यूरो दे के आ रहे हैं, यार मैं परेशान होता हूँ, और मुझे ऐसे लोगों पे हैरानगी होती है कि यार अगर आप लोग इतने पैसे दे रहे हो किसी यूरोपियन कंट्री में निकल जाओ, यहाँ पे आके टाइम वेस्ट अपना बिल्कुल भी मत करो वर्क वीज़े पे, अगर आप लोगों ने इतने पैसे देने हैं। हाँ अगर 2500 यूरो 3000 यूरो तक मैक्सिमम भी आप लोगों को वीज़ा मिलता है तो वो आप लोग ले लो, लेकिन इतने महंगे वीज़े आप लोग बिल्कुल भी मत लो किसी से। बाकी यही कुछ अपडेट थी, बाकी वीडियो शेयर कर रहे हैं उन दोस्तों से जो कि नॉर्थ साइप्रस आ रहे हैं और अपडेट्स पूछ रहे हैं कि क्या अपडेट चल रही हैं, तो ये जो अपडेट्स थी और कुछ बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी हैं। वीडियो को एंड तक तो ही देखा होगा आप लोगों ने, बाकी के नीचे कमेंट करें, और किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पर वैलिड क्वेश्चन करें, वहाँ पर इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। चलें जी अब निकलते हैं जॉब के लिए, देखें बैठा हुआ हूँ मैं, और कोई और अच्छी होगी वीडियो अपडेट इंशाल्लाह उसमें आप लोगों के साथ ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।